नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वेडी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, Redmi Note 7 और Note 7 Pro लॉन्च हो गया है इंडिया में आज 12 बजे और सेल स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से। और अगर आपने ये लॉन्च इवेंट नहीं देखा है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा इन दोनों फ़ोन्स के क्या स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं और उसके साथ में क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए और क्या ये प्राइस वर्दी है इन दोनों फ़ोन्स के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे नोट 7 से। नोट 7 के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेजीनेस चल रहा था, नोट 7 को लेके बहुत सारे वीडियो बना रहे थे, नोट 7 को लेके बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारे अपडेट्स आ रहे थे। लेकिन एक्चुअल में चाइना में जो Redmi Note 7 लॉन्च हुआ है, वहाँ से यहाँ पे जो इंडिया में Redmi Note 7 लॉन्च हुआ है थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिकेशन में चेंजेस है। तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे दो वेरियंट लॉन्च किया है Redmi Note 7 का, जो कि है 3GB और 32GB वेरियंट, और उसके साथ में आपको मिल जाएगा 4GB और 64GB वेरिएंट। जो चीज़ कॉमन है वो है यहाँ पे इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 660 का। आपको फुल फ्लेज्ड एक्चुअल जो ओरिजिनल प्रोसेसर है, जो अंडरक्लॉक नहीं है, वही प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा Redmi Note 7 में। और इसके साथ में आपको यहाँ पे कैमरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। चाइना में जो फ़ोन लॉन्च हुआ था वहाँ पे आपको 48MP का सैमसंग का सेंसर देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 48 नहीं 12MP का सेंसर देखने को मिलेगा और उसके साथ में 2MP का डेप्थ सेंसिंग। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 9,999 रुपीज़ में ये 3GB 32GB वाला वेरिएंट विथ 48MP का सेंसर फ़ोन लॉन्च हुआ था। हालांकि वहाँ पे 48MP के आपको प्रो मोड में जाके अलग से फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता था, लेकिन फिर भी 48MP का सेंसर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होता है यहाँ पे अगर 9,999 रुपये में लॉन्च हो जाता। और यहाँ पे 48MP के लिए आपको जाना पड़ेगा Note 7 Pro में, उसके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन उसका थोड़ी देर बात करते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं Note 7 का। Note 7 में आपको 4000mAh का बैटरी जैसा पहले मिलता था वैसे ही मिल जाएगा। यहाँ पे डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया गया है, नॉच देखने को मिला है। यहाँ पे नॉच जो है बहुत ही छोटा नॉच, यहाँ पे ये लोग डॉट नॉच टाइप बोल रहे हैं, हालांकि ये वाटर ड्रॉप टाइप नॉच या फिर यू नॉच देख सकते हैं, यू टाइप नॉच आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ किया गया है। और उसके साथ में यहाँ पे जो डिस्प्ले है देख सकते हैं 6.3 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले इन्होंने यूज़ किया है और यहाँ पर फुल HD प्लस आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो सभी कुछ ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है चाइना में जो प्रोडक्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ था Redmi Note 7 का, वहाँ से ये थोड़ा कमज़ोर है। यानी कि मुझे लग रहा है कि चाइना में ये जो Redmi Note 7 लॉन्च हुआ था वो थोड़ा अच्छा था, और यहाँ पर जो Note 7 Pro लॉन्च हुआ है वो Note 7 से अच्छा है, बेहतर है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल जो Note 7 चाइना में लॉन्च हुआ था वही Note 7 यहाँ पर भी लॉन्च होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और नोट 7 में और ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, जैसे ग्लास बैग आपको देखने को मिलता है फ्रंट में और बैक पर आपको ग्लास बैग देखने को मिल जाएगा विद गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे और ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टिंग बात नहीं है, जो सारा खास बात है वो है Redmi Note 7 Pro के लिए। Redmi Note 7 Pro को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको एक बिल्कुल नया प्रोसेसर देखने को मिलता है। हालांकि ये फर्स्ट नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी Vivo का V15 Pro का ऐड वगैरह दिख गया होगा Flipkart पे या Amazon पे, तो वहाँ पे भी Snapdragon का 675 प्रोसेसर यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे भी Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा Snapdragon का 675 प्रोसेसर, जो कि एक नया प्रोसेसर है, काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इस Snapdragon 675 में आपको देखने को मिलेगा 2 Cortex A76 कोर्स, और उसके साथ में 6 जो कोर्स बाकी मिलेंगे उनमें आपको A55 जो कि 1.7GHz पे क्लॉक्ड है और बाकी जो A76 वाले हैं वो 2GHz पे क्लॉक्ड है। तो काफ़ी पावरफुल और काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, 11nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो काफ़ी पावर एफिशिएंट भी बनने वाला है। हालांकि यहाँ पे 4000mAh का आपको बैटरी मिल जा रहा है, तो बैटरी का टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। Qualcomm का फास्ट चार्ज 4 यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिलता है, हालांकि फास्ट चार्जर बॉक्स में यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, अलग से आपको खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं तो अलग से चार्जर खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फास्ट चार्जर है तो उसे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले अगर देखेंगे, यहाँ पे भी आपको 6.3 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है और डिस्प्ले में LTPS IPS डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छा होने वाला है। ओवरऑल जितने भी IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है उनमें से ये LTPS IPS डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और व्यूइंग भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे फ्रंट पे भी और बैक पे भी आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे Gorilla Glass 5 का भी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन आपको डे टू डे लाइफ में काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दे देगा। और इसके साथ में आपको यहाँ पे LPDDR4X का रैम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी फास्ट रैम है
और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको डे टू डे लाइफ या फिर गेमिंग करने में देगा। और यहाँ पे आपको जो GPU देखने को मिलता है जो कि Adreno का 612 GPU, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और PUBG वगैरह अगर आप खेलेंगे तो वहाँ पे आपका PUBG बहुत ही मक्खन की तरह चलेगा। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन हो सकता है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे Redmi Note सीरीज़ में 128GB स्टोरेज लॉन्च हो रहा है, वो भी Redmi Note 7 Pro के साथ। यहाँ पे आपको 6GB और 128GB ROM देखने को मिलेगा, जिसका प्राइस आपको लगभग पड़ जाएगा 16,999 रुपीज़, यानी कि 17,000 रुपये। और अगर आप 4GB 64GB जो स्टैंडर्ड वेरियंट है उसको खरीदेंगे तो आपको 14,000 रुपये में मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा डील है। तो फाइनली बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि है कैमरा। यहाँ पे कैमरा काफ़ी दमदार मुझे लग रहा है, और यहाँ पे सैमसंग का नहीं सोनी का IMX586 जो सेंसर है, 48 MP का वही सेंसर यहाँ पे यूज़ किया गया है। और उस सेंसर की मदद से आप काफ़ी अच्छे फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्च इवेंट में Xiaomi ने काफ़ी सारे फोटोज़ को शेयर किया था, जिनमें मुझे काफ़ी अच्छा डिटेलिंग और काफ़ी अच्छा लो लाइट परफॉर्मेंस देखने को मिला। हालांकि मैं जब खुद इस फ़ोन को टेस्ट करूँगा तब मैं एक्चुअली में आप लोगों को बता पाऊँगा इसका कैमरा एक्चुअल में उतना इंप्रेसिव है या फिर Xiaomi थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्प्रूव फोटोज़ यहाँ पे शो कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो शोकेस कर रहे थे इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप डे टू डे लाइफ में नहीं भी पा सकते। हालांकि उसको टेस्ट करने के बाद ही मैं एक्चुअल बता पाऊंगा, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसको जरूर मैं टेस्ट करूँगा और आप लोगों को एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून करके रखिए। और फ़ोन लॉन्च होने में थोड़ा देर है, हालांकि यहाँ पे नोट 7 आपको जल्दी मिल जाएगा, 6 तारीख को इसका सेल है। और अगर आपको Redmi Note 7 Pro लेना है तो उसके लिए आपको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वहाँ पर आप लोगों को 13 तारीख को देखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro का लॉन्च। हालांकि मुझे यहाँ पर रिव्यू नहीं मिला है, तो मेरे चैनल पर रिव्यू वीडियो आपको 13 तारीख के बाद ही मिलेगा। मैं यहाँ पर खरीद के उसका वीडियो जरूर आप लोगों के लिए बनाऊंगा। और फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर आप लोगों को 13 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर Redmi Note 6 Pro में आप लोगों को 20 MP का फ्रंट कैमरा विद डुअल फ्रंट कैमरा देखने को मिला था, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा और वो भी 13 MP का। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउनग्रेड है, हालांकि हाथ में आने के बाद टेस्ट करना पड़ेगा एक्चुअल में इसका कैमरा 13 MP का कैमरे का जो फोटो है कितना अच्छा है, वो 20 MP के साथ कम्पीट कर पाता है कि नहीं, वो सब भी टेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे प्राइसिंग की बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया प्राइसिंग कितना होने वाला है। और प्राइसिंग के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, एक वेरिएंट आपको मिलेगा 4GB 64GB जो कि 14,000 रुपये का है, और दो सेकंड जो वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 6GB 128GB के साथ, वो आपको मिलेगा 17,000 रुपये में। दोनों ही वेरिएंट का प्राइस बहुत ही वर्दी प्राइस है, इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर परफॉर्मेंस वाला देखने को नहीं मिलेगा फ़ोन, और इससे बेटर स्पेसिफिकेशन आपको इस बजट रेंज में कोई भी नहीं दे रहा है। हालांकि Xiaomi का टक्कर Xiaomi से ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बजट अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपको मिल जाता है पोको का F1। पोको का F1 का प्राइस ऑलमोस्ट 21,000 रुपये है, लेकिन ऑफर्स में ये प्राइस जो घट के 18,000 रुपये तक आ जाता है। तो यहाँ पे 1,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर आपको पोको F1 में देखने को मिलता है। हालांकि अगर आपको स्टाइल भी चाहिए और ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस भी चाहिए तो आप Redmi Note 7 Pro के साथ जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको 128GB का स्टोरेज भी मिल जाता है 6GB रैम के साथ। तो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज है, Xiaomi ने वाकई में एक धमाकेदार बैक किया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो Redmi का Note 6 Pro था उतना ज़्यादा सेल भी नहीं हुआ था और उतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था। तो Xiaomi यहाँ पे एक बैंग के साथ बैक किया है, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है Redmi का Note 7 Pro। तो दोस्तों मुझे तो पर्सनली ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी पसंद आया इसके स्पेक्स, लेकिन Redmi Note 7 से मैं एक्चुअल में उतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो लोग Redmi Note 7 के लिए ही खाली वेट कर रहे थे 9,999 रुपये में 48 MP सेंसर वाला फ़ोन लेना चाह रहे थे, तो वो लोग थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो गए होंगे। तो अगर आप अपना बजट थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते तो आपके लिए Redmi Note 7 Pro ही लेना बेटर रहेगा, Redmi Note 7 को अगर स्किप करेंगे तो ये आपके लिए बेटर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं, Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7 Pro। मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।